इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सत्यप्रकाश उच्चेता मिश्रा जी हैं वो हमारे इंडियन पब्लिक स्कूल के टीचर भी हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छे म्यूजिक टीचर हैं, उसमें मतलब वो हर चीज़ में माहिर हैं। पिछली बार भी हमारे जज थे और इस बार भी हमारे जज हैं। इस बार क्या है, आप लोग जो 1000 रुपीज़ दे रहे हो, पिछली बार 500 थी, इस बार 1000 इस वजह से है। पहली बात तो आप ये एक्सपेंशन देख रहे हो, जितना आप लोग हो नहीं उसका 10 गुना ज़्यादा यहाँ का रेंट है, ठीक है। ये हमारा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है होटल छाने वर्ग, तो काफ़ी हेल्प करी है हॉस्पिटैलिटी पार्टनर एज अ हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल छाने वर्ग से। एंड अभी माल्या अर्पण भी होटल छाने वर्ग के हमारे जो डायरेक्टर हैं शिखर कपूर भैया वो भी करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, आप लोग जब यहाँ से निकलोगे हमारा एक अलौता स्टेज है पूरे अयोध्या में जो ऑडिशन में भी सर्टिफिकेट देता है और सभी विद्यालय में भी सर्टिफिकेट देता है और ग्रैंड फिनाले में भी सर्टिफिकेट देता है। इस बार हमारे पास बच्चे कम है तो क्या हुआ, हम टीवी शो करा के रहेंगे, भले ही हमारे जेब से पैसा जाए चाहे जहाँ से जाए, बट टीवी शो होके रहेगा। आप लोग पिछली बार एटीएस सीजन 1 के जितने भी लोग थे मैं आपको बता दूँ, वो लोग उसमें से कुछ ही बच्चे जैसे कि ये अंजलि सिंह लास्ट ईयर इसने दुनिया में पार्टिसिपेट किया था सेमीफाइनलिस्ट की, कुछ ही बच्चे किरण मिश्रा जी यहाँ हमारे विनर हैं और आज ये हमारे सिंगिंग कोऑर्डिनेटर हैं। इसके बाद विवेक सिंह सर जो कि को ऑर्गेनाइजर आपके सामने यहाँ सामने जो बैठे हैं खड़े हैं सॉरी, अभी ये लोग लास्ट के पार्टिसिपेंट थे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पिछले साल के पार्टिसिपेंट होते हैं उनको इस साल कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिली जैसे कि ये को ऑर्गेनाइजर। देन इसके बाद ये विनर और आज सिंगिंग की कोऑर्डिनेटर। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कई चीज़ें ऐसी हैं हमारे मार्केट में, काफ़ी रूमर्स भी फैल रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, हम इतने इस वजह से आपको यहाँ पर सिर्फ 10 से 20 रूम दिखाई पड़ रहे हैं और मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। भीड़ आ जाती तो मैं कंट्रोल ना कर पाता, बहुत अच्छा है। भीड़ तो कल आएगी क्योंकि कल है मॉडलिंग का शो, मॉडलिंग में कम से कम 200 से 300 पार्टिसिपेंट उतर रहे हैं कल की डेट में, अब वो कैसे मैं मैनेज करता हूँ मैं जानता हूँ। 1000 रुपीज़ में आपको 200 रुपये की GST हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। 1000 रुपीज़ में हम 100 रुपीज़ का फ्रेम्ड सर्टिफिकेट आपको देंगे गारंटी, मतलब आप जितने भी लोग हो अभी आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे और सेमीफिनाल में आप फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट लेके जाओगे। इसके साथ साथ हर एक बच्चा मेडल पहन के वापस जाएगा क्योंकि बंदे ने मेहनत करी है, बच्चों ने मेहनत करी है। इसके बाद क्या है, आपको गारंटी जितने भी सेमीफाइनलिस्ट होंगे जो 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं उनको गारंटीड अपीयरेंस है टीवी में, आप लोगों का चेहरा टीवी में आएगा ही और हो सकता है परफॉर्मेंस भी आए साथ में, जिसकी बहुत अच्छी होगी वो परफॉर्मेंस देगा और जिसकी नहीं अच्छी होगी उसका अपीयरेंस आएगा। तो 1000 रुपये में आपका समझ लीजिए एक कंप्लीट पैकेज, मैंने आपको बता दिया कि आपके पैसे जाते कहाँ, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ और आगे और लोगों को भी बताइए। यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि हमारे बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कल को अगर पैसे देंगे, कल को अगर आप पैसे देते हैं तो आपके कहाँ जाते हैं, वो जो आपके पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं मैंने आपको बताया। ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हो वो टॉप इस साल, पिछली बार हमारा मैनेजमेंट खराब था बट इस साल हमारा टॉप क्लास का मैनेजमेंट रहेगा। हमारा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर प्लस हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं बहुत ही कम, मतलब 5-5, 10-10 हज़ार के स्पॉन्सर हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिला हमें अभी मार्केट में। इस टाइम पे इतने लोग आ गए, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और एक एडवर्टीजमेंट नहीं किया, ना ही पोस्टर लॉन्च किया, ना ही मैंने एक बैनर लॉन्च किया, ना ही मैंने किसी जज का फ्लायर लॉन्च किया। तब आप लोग आए हो, अब कैसे आए हो, किस तरह से आए हो, मुझे लगता है कि हमारे कुछ लोगों की मेहनत है, कॉलिंग कर करके कॉल करके आपको पता चला, कहीं सोशल मीडिया से पता चला, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया में जाएँ, अयोध्या टैलेंट हंट इंस्टाग्राम फेसबुक और आपका ट्विटर भी है, इसके साथ साथ यूट्यूब भी है। यूट्यूब में आप सिंगिंग सेक्शन में जा करके देखिए कि लास्ट ईयर के ग्रैंड फाइनलिस्ट कैसे थे, किस तरह का अरेंजमेंट था। तब हमारे पास कम से कम 30 से 40 लोग की टीम थी और टीम प्लस 20 से 30 लोग वॉलेंटियर। इस बार हमने बहुत लिमिटेड टीम रखी है, जितने आपको दिख रहे हैं विवेक भाई, आपके किरण मैम, आशीष भैया जो कि जीवन किरण के, ये यहाँ पे जो भी बच्चा आगे बढ़ता है उनका ये मतलब ये उन्हीं का ही इंटरव्यू देते हैं जो बच्चा आगे बढ़ने की चाह रखता है, जिसने कुछ अचीवमेंट हायर करी हो। अगर आपको छोटी मोटी अचीवमेंट भी मिलती है तो ये आपका इंटरव्यू कल को लेंगे। इसके बाद जीत सागर जी, ये लास्ट ईयर के वॉलेंटियर थे अयोध्या डांस चैंपियनशिप जिसमें धर्मेश आए हुए थे, उसमें ये वॉलेंटियर
फ्रेशर्स है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से कोई भी मैनेजमेंट हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूँगा। और थोड़ा 10 बजे आपको बुलाया, इसीलिए बुलाया ताकि आप यहाँ पर फॉर्म भरें, तो फॉर्म भर के आ रहे हैं। जजेस हमारे 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, ये जजेस की पेशेंस है कि एटलीस्ट वो वेट कर रहे हैं। और अब मैं टाइम का लेते हुए आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग आए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेगा ऑडिशन भी हम लोग अक्टूबर के लास्ट में प्लान कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़े लेवल पे होगा। इधर तो 50-50 की है हमारे पास परमिशन, बट उसमें कम से कम 200-250 लोगों की परमिशन होगी। तो कल को जो मेगा ऑडिशन होगा, आपको सोशल मीडिया पर हर एक फोटोज, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, आपकी वीडियो भी जो बनेगी वो यूट्यूब पर आ जाएगी। प्लस अगर आप पेरेंट्स हो, साथ में आए हो, तो प्लीज़ बच्चे की वीडियो आप बना करके हमको सेंड कर देना, हम उसको यूट्यूब पर डाल देंगे। ठीक है, पिछली बार हमने अलाउ नहीं किया, तो बट इस बार आप जाइए, पेरेंट्स के साथ जाइए और आगे कुछ बढ़िए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड मैं आता हूँ, माल्यार्पण करवाता हूँ, एंड जल्दी जल्दी आपका स्टार्ट करवाता हूँ। एंड प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 2 बजे के पहले सब खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लोग नहीं।